तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube वीडियोस के अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखी होगी, नीचे जो है स्क्रॉलिंग लाइन चलती रहती है, मतलब जिसे हम लिखने वाली लाइन भी बोलते हैं, तो वो चलती रहती है। उसमें जो क्रिएटर होता है वो वीडियो से रिलेटेड जो है जो भी उसको बताना होता है, डिस्क्लेमर टाइप का या चेतावनी वगैरह, तो वो चलती रहती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, और कैसे उसको एडिट करना है सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इसके लिए गाइज़ आपको सबसे पहले काइंड मास्टर यहाँ पर ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट ए न्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी रेशो आपको लेना है उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो भी वीडियो आप एडिट करने वाले हो उसको आपको सिंपली यहाँ पे ले लेना है। जैसे मैं कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे मैंने सपोज़ कीजिए ये वीडियो ले लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको टेक्स्ट लिखना है जो भी आप मतलब लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, अब ये मैंने लिख दिया है। अब आप इसको जो है एडिट करना है, आपको एडिट भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो लेयर पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट की, और यहाँ पे आपको डबल ए का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये डबल ए का ऑप्शन जो है फॉन्ट साइज़ का है, मतलब इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट साइज़ है, जो भी आपको सही लगे वो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका जो कलर है उसको आप जो है चेंज करना चाहते हैं, तो जो है यहाँ पे आपको कैंची के बगल में एक बॉक्स दिख रहा होगा वाइट कलर का, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इसको रेड कर दिया है। अब और भी आप इसको जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। आपको नीचे आना है यहाँ पर स्क्रॉल करके, यहाँ पर आपको आउटलाइन, शेडो, ग्लो, बैकग्राउंड कलर, आप देखिए बैकग्राउंड कलर में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, तो आपके टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। इसको भी आप जो है कलर वाइज चेंज कर सकते हैं, इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनेबल के नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है, और इसको आपको वाइट कर देना है, मतलब जो भी आपको सही लगे वो आपको कर देना है। आप देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी आप जो है एक पूरी लाइन चाहते हैं, यहाँ पर देखिए आप फुल विड्थ बैकग्राउंड, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन जो है यहाँ पे जो भी आपने कलर चूज़ किया है वो हो जाएगी। इसको अगर आप नहीं चाहते हैं, सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड चाहते हैं, वो भी आप जो है इसको मतलब ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको जो है यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, और इसको जो है आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप ये जो एरो टाइप का देख रहे हैं इसको आप जो है अप डाउन करेंगे तो यहाँ पर छोटा बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैंने छोटा कर दिया है। और इसके अलावा बैक आएंगे आप यहाँ पे, आपको ग्लो का ऑप्शन भी दिख जाएगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड की जो टेक्स्ट लिखा है उसमें जो भी कलर आप चूज़ करेंगे वो हो जाएगा। जैसे मैं येलो ही कर देता हूँ, इसको अगर आप बढ़ाएँगे तो ग्लो जो है और बढ़ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, मतलब जो साइड वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब जो लाइन होती है टेक्स्ट की। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है, इसको भी आप ऑन करेंगे तो मतलब जो परछाई टाइप की होती है टेक्स्ट की वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सब एडिट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइड की जो आउटलाइन है वो ब्लैक हो चुकी है। बाकी आप कलर यहाँ से आप चेंज कर ही सकते हो उसका, इस पर क्लिक करके। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए इसको आपको चलाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लेयर पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट की, और अब आपको क्या करना है, साइड में आपको एक की का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये जो लेयर है स्क्रीन पे आपको टैप करना है, और इसको ले जाना है आपको सबसे एंड में इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जो लेयर देख रहे हैं आप टेक्स्ट की, इसको आपको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा एनिमेशन के ठीक नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब अपनी जो लेयर है टेक्स्ट वाली, इसको आपको सीधा जो है सीधा सीधा ले जाना है बाहर की साइड इस तरीके से। तो आपको जो है स्क्रीन पर पकड़ के, मतलब इसको जो है बाहर की साइड आपको लेके जाना है इस तरीके से। अब आप ले गए हैं, अब इसको अगर मैं पीछे आऊँगा और इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जो है मतलब स्क्रोलिंग जो टेक्स्ट होता है उसको आप चला सकते हैं। अब जो है इसको अगर आपको लग रहा है फास्ट चल रहा है तो इसकी लेयर पे आपको क्लिक करना है और इसको आप जो है बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो लाइन जो आपने लिखी है ये काफ़ी धीरे चलेगी इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम बार बार ही कैसे चला सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो लेयर है टेक्स्ट वाली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे साइड में थ्री डॉट दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर को ले लेना है। इस पर क्लिक करना है आपको डुप्लीकेट पर। तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट लेयर आ चुकी है और इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके ठीक इसके आपको आगे लगा देना है इस तरीके से। अब देखिए जहाँ पर ये लाइन ख़त्म होगी दूसरी जो डुप्लीकेट लेयर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी वीडियो के अंदर डुप्लीकेट लेयर लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी पूरी वीडियो के अंदर जो है ऐसा टेक्स्ट मतलब आपको स्क्रॉलिंग वाला चलता हुआ चाहिए तो इस तरीके से आप गाइस कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।